अवैध हॉस्पिटल को ACMO डॉक्टर संजीव बेलवाल ने 2 दिन पूर्व अपना आशीर्वाद देकर जीवन दान दिया था, उसी हॉस्पिटल ने एक गर्भवती महिला की जान खतरे में डाल दी। वे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। हुआ यूं कि 28 जनवरी को गोहरपुर निवासी असुद्दीन ने अपनी पत्नी रेहाना का गर्भ ठहरने पर भोजपुर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के जीवन दान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहाँ पर औजारों के द्वारा महिला का गर्भपात एक बार नहीं 2 बार किया गया। ये गैर कानूनी काम एक झोला छाप महिला डॉक्टर ने किया। भ्रूण हत्या करते समय महिला की बच्चेदानी में बड़ा जख्म बन गया और खून निकलना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद बच्चेदानी में सेप्टिक बन गई तो महिला की हालत बिगड़ी, तो पति ने फिर उसी झोला छाप महिला डॉक्टर से शिकायत की, तो हॉस्पिटल संचालक आसिम ने आनन फानन में महिला की जान खतरे में देखकर जेल के पीछे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्रशिक्षित महिला डॉक्टर ने महिला की जान बचाने के लिए बच्चेदानी को निकालकर सफल ऑपरेशन किया, लेकिन महिला की जान को खतरा बताया जा रहा है। बिना पंजीकरण के इस हॉस्पिटल के संचालक आसिम से जब इस संबंध में जानकारी जुटाई गई तो उसने बताया कि वे 1 सप्ताह से अस्पताल नहीं गया। सवाल यह है कि यदि ACMO डॉक्टर संजीव बेलवाल ने इस अवैध हॉस्पिटल को 2 दिन पूर्व सील कर दिया होता तो आज एक महिला की जान खतरे में ना होती, महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने तो कार्यवाही करने की बजाय उसको अपना आशीर्वाद देना बेहतर समझा। जब इस संबंध में महिला के पति से जानकारी लेनी चाहिए तो उसने बताया कि मैं एक अच्छा अस्पताल समझ कर गया था, लेकिन मेरी पत्नी की जान से खिलवाड़ किया गया है, उसके खिलाफ मैं कार्यवाही चाहता हूँ। मेरा नाम सर असरुद्दीन है। सर असरुद्दीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोहरपुर सुल्तानपुर। आपकी बीपी का क्या नाम है? रेहाना। रेहाना को क्या परेशानी हुई? परेशानी सर इनको कुछ समय था और वो थोड़ा झटके से मान लिया, कोई घर घरेलू से थोड़ी सी दिक्कत आई। हमने इनको हमारे पास में एक जीवन दान हॉस्पिटल है इस्लाम नगर चौराहे पे। पूरा नाम बताओ उसका। जीवन दान हॉस्पिटल तो पास में ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं इस्लाम नगर चौराहे पे सर। हम वहाँ लाए, उन्होंने देखा, बोले जो इसकी सफाई करेंगे सही हो जाएंगे। तो हमने सर 28 तारीख में उनकी सफाई कराई। सफाई कराने के बाद उन्होंने बताया कि 2 दिन थोड़ा भी लेट आएगा, उसके बाद ही सही हो जाएंगे। दवाई दी उन्होंने 5 दिन की, ब्लड नहीं रुका। मैं फिर तीसरे दिन गया, मैंने सर आप कह रहे 2 दिन में ब्लड रुक जाएगा, ब्लड नहीं रुका। तो उन्होंने और दवाई दी, ब्लड नहीं रुका सर। फिर उन्होंने 3 तारीख में फिर एक मुरादाबाद से डॉक्टर नहीं बुलवाई, ये तो नहीं मैं जानता कौन है सर वो डॉक्टर, नहीं क्या थी। उन्होंने फिर 3 तारीख में फिर ले जाकर एडमिट करी और फिर सफाई करी के कुछ रह गए थोड़ा और इसकी हम सफाई करते हैं। दोबारा फिर सफाई करी सर, बोले अब उन्होंने पक्का, और भी मेरे साथ और भी लोग हैं प्रूफ के साथ, मेरे ही साथ के जो आसपास के आगे परेशानी को देखते हुए उन्होंने मैडम से भी बात की, बोले देखो ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, कोई परेशानी नहीं आए। तो उन्होंने कहा जो मुरादाबाद से गए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी साहब कोई ब्लड नहीं रुका। अब आपने अपनी बीवी कहाँ पर भर्ती किया? सर पहले तो हम डेंटल पहुँचे, वहाँ डॉक्टर ने छुट्टी पे थी, तो हम यहाँ सुनील कुमार गुप्ता हॉस्पिटल में लाए। इन्होंने कल ब्लड चढ़ाया सर, ऑपरेशन करा, पूरा जो सिस्टम था इन्होंने बताया, सेप्टिक हो गई इसकी, बहुत ज़्यादा ब्लड था ही नहीं। तो सर हम डेंटल से ब्लड लाए और वो चढ़वाया और फिर रात 4 बजे कल ऑपरेशन इनका किया गया है। जो न्यू जीवनदान हॉस्पिटल है जी सर, ये किसका है, कौन डॉक्टर है वहाँ पर? सर ऐसे तो कोई पता नहीं, वो नाम है मोमडन है लड़का, काजीपुर का, ऐसी 20-22 साल की एज है, आसिम। और जो एक छोटी सी गट्टी सी लेडीज लड़की वहाँ रहती है सर, उसके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उनके सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है सर, हम जितनी बार आ गए। आपकी बीबी की सफाई उसी ने करी थी? उसी ने लड़की ने सफाई की थी सर। और उसके दूसरी बात जो करी है 3 तारीख में, वो किसी और ने करी, भारी सी लेडीज है, लेकिन पहली बार जो करी है आसिम ने करी है। और एक लड़की लेडीज ये बहुत कम उम्र की है, वो 20-22 साल की है, उसने करी है।